अस्सलामुअलैकुम, मैं एमडी आसिफ यूपी वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 रबी अव्वल के बारे में। जैसा कि दोस्तों 12 रबी अव्वल आने वाला है और 12 रबी अव्वल आने से पहले ही दो तीन फिरकों में महायुद्ध स्टार्ट हो गया है सोशल मीडिया पर, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। उलमाओं के बीच भी कोई, कुछ उलमा कह रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए, कुछ उलमा कह रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए। जब भी ये त्योहार आता है, तमाम उलमाओं, सुन्नी उलमा चाहे देवबंदी उलमा चाहे शिया उलमा, इन लोगों में होने लगता है बस। कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। तो आज अभी तो रबी अव्वल आने वाला है और रबी अव्वल आने से पहले महायुद्ध स्टार्ट हो चुका है देवबंदी और सुन्नियों के बीच। तो इस वीडियो में देवबंदी उलमा को भी सुनेंगे और सुन्नी उलमा को भी सुनेंगे कि वो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। और मैं किसी भी फिरके को नहीं मानता हूँ, मैं उन्हीं को मानता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, उनके बात को मानते हैं और उनके कहे हुए बातों को मानते हैं। तो मैं उन्हीं को मानता हूँ, किसी फिरके को नहीं मानता हूँ। फिरका लोगों ने बनाया है, ना कि ये इस्लाम का हिस्सा है। तो जो लोगों ने फिरका बनाया है और फिरके के जरिए ये लोग तय करते हैं कि ये देवबंदी उलमा है और ये सुन्नी उलमा है, तो उन्हीं लोगों के जरिए से मैं आपको सुन्नी उलमाओं की वीडियो देखिए। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और मालिक में, कि एक ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबे ताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लामिक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। और ये अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से, कि अगर आप गौर करेंगे, 12 रबी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे भी है और साथ साथ उनका इंतकाल भी 12 रबी अव्वल में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 रबी अव्वल उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी बना रहे, तो अल्लाह सुबहाना व ताला जैसा कहते मकरूम मकरूल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, कि उन्होंने प्लान किया और प्लॉट किया, अल्लाह सुबहाना व ताला ने भी प्लान किए, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर। तो ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं, ईद मिलादुन नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहि सलाम का बर्थडे बनाते हैं, ये अलग मजहब है, इस्लामिक मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कि बताएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद और साहबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम अजमाइन, इन्होंने कौन सी झंडियां लगा के तो मिलाद मनाया, कौन से जुलूस निकाले हैं? चलें, लाइटिंग तो आज के जमाने की है, लेकिन झंडियां, झंडे, जुलूस, ये सारे मामला तो उस जमाने में भी हो सकते थे। मौला अली क्या हर साल मिलाद मनाते थे इस तरीके पर जिस तरह आप मनाते हैं? तो वो फौरन चिट्टा जवाब भी आपको देंगे, वो कहेंगे नहीं, तो बाद में शुरू है। जो चीज दीन में बाद में शुरू हो, उस को ना करने वाले पर किस तरीके से टॉन्ट की जा सकती है? वैसे बड़े ये यानी चलाकी करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी, अगर कोई नहीं मनाता हम कुछ नहीं कहते, हमें ना आप छेड़ें। भाई आप तो हमें आए दिन शेर सुनाते हैं, निसार तेरी चहल पहल के हजारों ईदें हैं रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, आप हमें इबलीस की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिलाद को मना लें। यानी एक गरीब तू बदतमीज, काम आप ना कर रहे हो और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर टाट करें। तो ये खबीस आप पता है किस किस को कह रहे हैं, ये इबलीस आप किस किस को कह रहे हैं? ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है? पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है, और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते हैं नहीं जी फलाने लिखा है तो फलाने लिखा, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है? सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत। अब देखो, पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जवा नहीं हो सकता, अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो, अल्लाह फरमाता है
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58, ठीक है, याद कर लेना. इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया. तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है. अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है. अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो. अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई? आओ फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं. अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन. मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है. अहदीस में ये मजमून, कायनात की जितनी तारीख पुरानी है उतनी ही मिलाद मुस्तफा की जो वो तारीख पुरानी है. बल्कि जब कायनात नहीं बनी थी, जमीन और आसमान नहीं बने थे, तब भी मिलाद मुस्तफा का जिक्र हो रहा था. कुरान उसको यूं बयान करता है वही जखद अल्लाह मिसाकन नबी जीन. अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने सारे नबियों को जमा किया और जमा करके नबियों के इज्तिमा में अल्लाह ने मिलाद महबूब का जिक्र यूं फरमाया कि मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं और उसके बाद वो तशरीफ लाए मेरा महबूब. महबूब की तशरीफ लाने ही के जिक्र को तो जिक्र मिलाद कहते हैं. तो सबसे पहले आमद रसूल का जिक्र नबियों के इज्तिमा में अल्लाह फरमा रहा है अपनी शान के मुताबिक. सोचो तो सही, बयान करने वाला खुदा है और उस बयान को सुनने वाले अंबिया हैं. ये विलादत हल्के में मत लो. हमारी विलादत जब इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मौलाना बन गया, हमारी पैदाइश इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा बाप मुहद्दिस आजम हुआ, मेरा दादा गौसे आजम हुआ, ये पैदा होने ही का तो है. तो जब हम जैसे लोगों का पैदा होना महत्वपूर्ण है तो बारह रबी अव्वल को नबी का पैदा होना. अपनी विलादत को हम महसूस करें और नबी की विलादत पर जरा भी ना मुस्कुराएं. पैदा होना द मोस्ट डिग्निटी ऑफ योर लाइफ, अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ. सारे टाइटल्स, पावर एंड वेल्थ, एवरीथिंग आफ्टर बर्थ. सभी लोगों ने दोनों उलमाओं को बातों को सुना. रबी अव्वल आने वाला है 2-4 दिन में, 28 तारीख को 12 रबी अव्वल है. तो आप लोग देखिएगा, और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि 12 रबी अव्वल के दिन जो जायज काम है उसी काम को करेंगे तभी हमारी भलाई है. क्योंकि आज के वक्त में 12 रबी अव्वल को ज्यादातर बेअदबी होती है. ज्यादातर बेअदबी इसलिए होती है कि दिन दिन भर रात रात भर लोग 12 रबी अव्वल में इतने मसरूफ हो जाएंगे कि नमाज को भूल जाते हैं. 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ 12 रबी अव्वल में मगन रहते हैं. इतनी 12 रबी अव्वल इतनी मोहब्बत मनाएंगे कि नमाज को ही भूल जाएंगे. ये नहीं पता है कि जिनका वो रबी अव्वल मना रहे हैं उनके आंखों का सुन्नत, आंखों का ठंडक ही नमाज है, और वो नमाज को छोड़ करके उन्हीं का 12 रबी अव्वल सड़कों पे मनाते रहेंगे. ये कहां से जायज है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग मत मनाइए, आप लोग मनाइए, धूमधाम से मनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाइए, लंगर लुटाइए, लोगों को दीन की दावत दीजिए, नमाज की दावत दीजिए, हर चीज कीजिए, लेकिन नमाज को मत छोड़िए. बस मैं ये बात कहना चाहता हूं. ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा. मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम.